I'm searching for my shoes. निलोंग जा रही है, कैसा लग रहा है? निलोंग जा रहे हैं. कैसा रहेगा एक्सपीरियंस? कुछ सॉरी, काफी नर्वस हूँ, देखता हूँ क्या होता है. Have you seen that place before? नमस्ते टू एवरीवन. सो आज हम फाइनली आफ्टर टू डेज अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए हैं रेथल से. एंड इट्स टाइम टू गो डीपर हाई अप इन द हिल्स. ये पहाड़ सभी को अपना बना ही लेते हैं, फिर चाहे वो कोई ट्रैवलर हो या फिर कोई श्रद्धालु. श्रद्धालु माँ गंगा के उद्गम स्थान के दर्शन के लिए आते हैं और हर्षिल से लगभग 44 किलोमीटर दूर है माँ गंगा का उद्गम स्थान, जिसे कि गौमुख के नाम से जाना जाता है. जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ रही है, रोड्स नैरो और ग्रीनरी बढ़ती जा रही है, और जब आप हर्षिल वैली में एंटर करते हैं तो आपको नज़ारे और लोकल ट्रेडिशन की झलक कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगी, बिकॉज यही रूट गंगोत्री धाम की तरफ भी जाता है. हर्षिल वैली अपनी ब्यूटी के लिए और यहाँ के एप्पल ऑर्चर्ड्स की वजह से जाना जाता है. के मौसम का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कभी धूप तो कभी छांव, बट हर शेड में ये पहाड़ हमेशा खूबसूरत ही है. For the first time in the mountains, and जब भी उन्हें मौका मिलता है वो ट्राई करते हैं कि हर पल रिकॉर्ड हो जाए. Of course, भैया is trying his best to capture everything. Hershil is located at the height of 2,745 meters. It means 9,000 feet. Hershil Valley का region Indian Army के under आता है. Hershil Valley Baspa Valley को भी connect करती है, जो कि हिमाचल के किन्नौर district में स्थित है, और साथ ही साथ ये valley Lamkhaga Pass को भी connect करती है, जिसकी height 5,282 meters है.
And after so much traffic, we finally have reached to Lanka Bridge, which falls in Bhairavghati. And this is the place from where the Girtang Gully track starts. But this time, we are not going to Girtang Gully. We are going to Nilong Valley. It is the same valley jahan Girtang wooden bridges bane hai. This is the same route, but we are going by road to this valley. This valley is closed since 1962 because of Indo-China War. This valley is a cold desert mountain area. You can say it's a replica of Tibet in terms of geography. And your tourists ko stay karna allowed nahi hai. They can stay at Gangotri or nearby places only. From Girtang Gully, you can see the valley only for 3 kilometers. But agar aap by car travel karte hain, to you can see the valley more deeper. ऐसे अनटच्ड प्लेसेस ट्रैवल करने का जो फील है वो बहुत डिफरेंट है और यहाँ के चैलेंजेस भी बहुत डिफरेंट होते हैं. वी हैव कवर्ड मोर देन 8 किलोमीटर्स इन द वैली बट समहाउ वी आर हियर एट द वाटर क्रॉसिंग. So we were on the way to Nilong Valley, but Nilong Valley के जाते टाइम पे एक नाला पड़ता है जिसका नाम पागल नाला है. So ये नाला कह सकते हो इस पैच पे थोड़ा डिफिकल्ट है. सुबह हम जाते टाइम से रहते तो मे भी इतना पानी का फ्लो नहीं मिलता, बट इस टाइम पे पानी का फ्लो एंड पत्थर काफ़ी ज़्यादा थे. सो वी ट्राइड, हम फंस गए वहाँ पे. एंड देन आर्मी का ट्रक भी आया, उन्होंने भी हमें यही सजेस्ट किया कि थोड़ी शाम भी हो गई है, आगे जाके फंसोगे तो दैट विल नॉट बी अ सेफ सेफ थिंग. सो फिर हमने सोचा नो वरी, अब वापस आ रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग समवेयर एल्स. सो नो वरी, वी ट्राई टू कवर दिस निलोंग वैली नेक्स्ट टाइम. एंड जितना हम यहाँ तक आए ना, ये वैली बहुत सुंदर है एंड आई एम फीलिंग सैड कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, बट नो वरीज, विल बी गोइंग टू निलोंग वैली वेरी वेरी सून. सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू गो निलोंग वैली, बट थोड़ा सिचुएशंस हम लोगों के लिए ठीक नहीं थी जस्ट बिकॉज ऑफ पागल नाला. बट ये वैली असल में उत्तराखंड का एक अनछुआ हिस्सा है. सो फॉर नाउ वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स आवर बेस. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग विद मोर एडवेंचर.